उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग PWD ने ऊपरी गंगा नहर के किनारे कांवड़ यात्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली 111 किलोमीटर लंबी कांवड़ कॉरिडोर पर सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है। कांवड़ कॉरिडोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक मनपसंद परियोजना में से एक है। कांवड़ कॉरिडोर की सड़क गाजियाबाद और मेरठ से होकर मुजफ्फरनगर तक पहुंचेगी। अधिकारियों को उम्मीद है कि कॉरिडोर अगले साल जून 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार कांवड़ कॉरिडोर विकसित होने के बाद ये सड़क दिल्ली NCR और उत्तराखंड के बीच एक वैकल्पिक मार्ग बन जाएगी और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यातायात का भार कम हो जाएगा। ये परियोजना 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच वैकल्पिक संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई थी। PWD के मुख्य इंजीनियर ने कहा कि नहर के किनारे कांवड़ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है और इससे कांवड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा। योजना के मुताबिक 111 किलोमीटर की ये सड़क दो लेन की होगी। ये सड़क मुजफ्फरनगर के पूरका जी से शुरू होकर मेरठ होते हुए गाजियाबाद के मुरादनगर तक जाएगी। ये सड़क मुजफ्फरनगर में 56 किलोमीटर, मेरठ में 42 किलोमीटर और गाजियाबाद में 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांवड़ कॉरिडोर में 10 बड़े पुल, 27 छोटे और एक रेलवे ओवरब्रिज होगा। जो पुल अब नहर पर है वो ब्रिटिश काल के ही हैं और 1850 में बनाए गए थे। अब जब यातायात का भार बढ़ गया है तो पुलों का निर्माण भी फिर से करना होगा। नई पुलों का काम यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन संभाल रहा है। ये कांवड़ कॉरिडोर संरक्षित वन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, इसलिए वन विभाग ने सर्वेक्षण के लिए 223 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है। करीब 40,000 पेड़ रास्ते में आ रहे हैं। पौधारोपण नीति के तहत आसपास के क्षेत्रों में 446 हेक्टेयर में वृक्षारोपण के लिए चिन्हित किया गया है। बिना पक्की और किनारों के साथ बिना सुरक्षा के नहर के साथ गुजरने वाला भाग दुर्घटनाओं के लिए कुख्यात था। नहर पर बने पुलों में रेलिंग नहीं है और वाहन अक्सर नहर में गिर जाया करते थे। कांवड़ कॉरिडोर के लिए अनुमानित लागत 628 करोड़ रुपए है, जिसमें से इस खंड पर सुरक्षा उपायों को स्थापित करने के लिए 66 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। परियोजना के जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। यूपी सरकार की व्यय और वित्त समिति ने पिछले साल अक्टूबर में इस परियोजना को मंजूरी दी थी। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान राजमार्ग और एक्सप्रेसवे तीर्थयात्रियों से भर जाते हैं। कॉरिडोर का उद्देश्य इस समस्या को हल करना है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद प्रमुख सड़कों पर तीर्थयात्रियों की भीड़ नहीं होगी, जिससे आम जनता और तीर्थयात्रियों दोनों को फायदा मिलेगा। ये पश्चिमी यूपी के जिलों के गन्ना किसानों को अन्य जिलों की मंडियों में जाने और अपनी उपज बेचने के लिए सहज संपर्क भी प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।